अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम और मैं आपका इंग्लिश ट्यूटर। दोस्तों, लेसन 3 में आप सभी का खैर मकदम है और आज हम यहां जानेंगे शैल बी और विल बी के बारे में कि शैल बी और विल बी का क्या यूज है। फ्रेंड्स, शैल बी और विल बी ये मुस्तकबिल को बताने वाले वर्ड हैं। ये बताते हैं कि आने वाले दिन में यानी मुस्तकबिल में ऐसा काम होगा या ऐसा रहेगा, ऐसा होगा। फ्रेंड्स, शैल बी और विल बी का मतलब होता है रहूंगा, होऊंगा या बनूंगा, या रहेगा या बनेगा, या रहोगे या बनोगे। तो जब हम ऐसी बातें करते हैं कि रहूंगा या बनूंगा, रहेगा या बनेगा, होगा या होंगे, तो हम शैल बी या विल बी का यूज करते हैं। शैल बी का यूज तो बस आई और वी के साथ होता है फ्रेंड्स, और बाकी सभी वर्ड के साथ विल बी का यूज किया जाता है। तो चलिए एक जुमले में इसे सीखते हैं कि कैसे ट्रांसलेट करना है। दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, अगर आपको कवायद नहीं आता, थोड़ा भी नहीं आता, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैं ट्रांसलेशन ट्रिक से सिखाता हूँ जिससे बड़े आसानी से आप उसको सीख सकते हैं। उर्दू से इंग्लिश पर ये मेरा तीसरा वीडियो है, लेकिन हिंदी से अंग्रेजी पर मैंने 50+ वीडियोस बनाए हैं जो आज पूरी दुनिया में पसंद की जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और आप हजारों लोगों को शेयर भी करेंगे। तो चलिए फिर आपको दिखाता हूँ वो ट्रिक जिसकी मदद से आप बड़े आसानी से बड़े बड़े सेंटेंसेस को छू मंतर में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य है फ्रेंड्स, मैं एक तालिब इल्म रहूंगा, मुझे इसका ट्रांसलेट करना है। तरीका है फ्रेंड्स, जो वर्ड सबसे पहले उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए, जो वर्ड बाद में उसका अंग्रेजी दूसरे नंबर पर लिखिए, और जो वर्ड बीच में उसका अंग्रेजी तीसरे नंबर पर लिखिए। अगर आप ऐसा करेंगे फ्रेंड्स तो आपके सेंटेंसेस रॉन्ग नहीं होंगे। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले है मैं, उसका अंग्रेजी लिखा जाएगा आई। उर्दू लिखने की शुरुआत राइट हैंड से की जाती है फ्रेंड्स, लेकिन इंग्लिश लिखने की शुरुआत लेफ्ट हैंड से की जाती है, इसलिए मैं यहाँ लिखा हुआ है लेकिन उसका अंग्रेजी मुझे यहाँ लिखना होगा, शुरुआत इधर से करना होगा। रहूंगा इंग्लिश होता है शैल बी या विल बी, तो आई और वी के साथ तो शैल बी का ही यूज होता है। और बीच में लिखा हुआ एक तालिब इल्म, एक का इंग्लिश में कहते हैं ए और तालिब इल्म को कहते हैं स्टूडेंट। और फ्रेंड्स, ये वाक्य ट्रांसलेट हुआ। आपको कंसेप्ट शानदार तरीके से समझ में आ सके, आइए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। पहला जुमला है, मैं एक अच्छा उस्ताद रहूंगा और मुझे इसका ट्रांसलेशन करना है। कैसे करना है? जो वर्ड सबसे पहले उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए, जो वर्ड बाद में उसका अंग्रेजी आप दूसरे नंबर पर लिखिए, और जो वर्ड बीच में उसका अंग्रेजी आप तीसरे नंबर पर लिखिए। अगर आप ऐसा करेंगे फ्रेंड्स तो आपके सेंटेंसेस कभी रॉन्ग नहीं होंगे और बड़े शानदार तरीके से आपके वाक्य ट्रांसलेट होंगे। चलिए मैं करके आपको दिखाता हूं। मैं को अंग्रेजी में कहते हैं आई। आप सोचेंगे कि मैं इधर से क्यों लिखा, क्योंकि फ्रेंड्स उर्दू राइट साइड से लिखी जाती है लेकिन इंग्लिश लेफ्ट साइड से लिखी जाती है, इसलिए मैं इंग्लिश लिखने की शुरुआत इधर से किया। रहूंगा की इंग्लिश होगा शैल बी या विल बी। आई के साथ शैल बी लिखा जाता है, ये बात हमने पीछे बताया। और बीच में लिखा है एक अच्छा उस्ताद, एक का अंग्रेजी ए, अच्छा की अंग्रेजी गुड, और उस्ताद का अंग्रेजी होता है टीचर, और आपने इसे ट्रांसलेट किया, दैट्स ऑल। आइए दूसरे वाले को भी ट्रांसलेट करते हैं। जो वर्ड सबसे पहले उसका अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखेंगे, बाद वाला वर्ड का अंग्रेजी आप दूसरे नंबर पर लिखेंगे, और जो वर्ड बीच में उसका अंग्रेजी आप तीसरे नंबर पर लिखेंगे, फ्रेंड्स आपका वाक्य ट्रांसलेट हो जाएगा। आपको अंग्रेजी में कहते हैं यू, और रहेंगे का अंग्रेजी होता है विल बी। होता तो शैल बी और विल बी दोनों है, लेकिन यू के साथ विल बी का यूज करते हैं। और बहुत खुश, बहुत को इंग्लिश में कहते हैं वेरी, और खुश को कहते हैं हैप्पी। और फ्रेंड्स, ये वाक्य ट्रांसलेट हुआ। आइए लास्ट वाले को भी ट्रांसलेट करते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि ट्रांसलेशन का काम मुश्किल नहीं होता। तो चलिए इसे भी ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला वाला अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, बाद वाला अंग्रेजी दूसरे नंबर पर, और जो वर्ड बीच में उसका अंग्रेजी। वह को अंग्रेजी में कहते हैं अगर वो एक मुजक्कर है, यानी अगर वो मेल है तो।
फीमेल के लिए हम सी का यूज करते हैं, ये बात हमने अपने पहले वीडियो यानी पार्ट वन में डिटेल से बताया। ये पार्ट थ्री है, अगर आप पार्ट वन या टू नहीं देखे हैं तो उसे देखिए, कंसेप्ट और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। होगे का अंग्रेजी होगा विल बी, और एक का अंग्रेजी होगा ए, मशहूर का अंग्रेजी होगा फेमस, और शायर का अंग्रेजी होगा पोएट। He will be a famous poet, और ये ट्रांसलेट हुआ। आपको कंसेप्ट और अच्छा से समझ में आए, आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। आइए इसे ट्रांसलेट करते हैं। पहला वाक्य है, इमरान एक बहुत मेहनती इंसान होगा। इसको मुझे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। कैसे करना है? बहुत इजी है, चलिए मैं आपको बता रहा। जो वर्ड सबसे पहले उसका अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे फ्रेंड्स, और जो वर्ड बाद में उसका अंग्रेजी हम दूसरे नंबर पे लिखेंगे, और जो वर्ड बीच में रहेगा उसका अंग्रेजी हम तीसरे नंबर पे लिखेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा, और कम वक्त देकर हम बड़े आसानी से अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेंगे। कैसे? खुद देखिए, इमरान यानी इमरान, हमने पहले वाले वर्ड का अंग्रेजी सबसे पहले लिखा। आइए अब दूसरे वाले का अंग्रेजी लिखते हैं, होगा यानी विल बी। बस आई और वी के साथ शैल बी लिखा जाता है, बाकी सबके साथ विल बी लिखा जाता है। अब मैंने पहला और दूसरा वाला का अंग्रेजी लिखा, अब बीच वाला का अंग्रेजी लिखिए। एक का अंग्रेजी ए, बहुत की अंग्रेजी वेरी, मेहनती का अंग्रेजी लेबोरियस, और इंसान का अंग्रेजी होता है मैन। इमरान विल बी अ वेरी लेबोरियस मैन, और ये जुमला ट्रांसलेट हुआ। आइए दूसरे वाले को भी ट्रांसलेट करते हैं। जो वर्ड सबसे पहले उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए, बाद वाला का अंग्रेजी दूसरे नंबर पर, और जो वर्ड बीच में उसका अंग्रेजी तीसरे नंबर पर। ऐसा करेंगे फ्रेंड्स तो क्या मजे से वाक्य बनेगा। वे लोग को अंग्रेजी में कहते हैं दे, और होंगे का अंग्रेजी होगा विल बी, और खराब इंग्लिश में कहते हैं बैड, डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर, और ये जुमला ट्रांसलेट हुआ। आइए लास्ट वाले जुमले को भी ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला वाला का अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए, बाद वाला का अंग्रेजी दूसरे नंबर पर, और जो वर्ड बीच में उसका अंग्रेजी तीसरे नंबर पर। हम लोग इंग्लिश में कहेंगे वी, रहेंगे कि इंग्लिश होगा शैल बी, आई बी के साथ शैल बी का यूज करते हैं, और बीच में जो वर्ड है अब हम उसका अंग्रेजी लिखेंगे नम्र बी यानी काइंड, और इंसान को इंग्लिश में मैन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।